हरे कृष्णा राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि के आठवें दिन यानी कि महाअष्टमी को कन्या पूजन से पहले महागौरी की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन दुर्गा पूजा भी की जाती है। इस दिन बहुत जगह बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने एक भैंसे रूपी असुर अर्थात राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा का रूप धारण किया। यह देवी पार्वती का हिंसक रूप है। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर ने कई वर्षों तक तपस्या और प्रार्थना कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कई वरदान दिए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को अमर होने के वरदान की जगह ये वरदान दिया कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर महिषासुर काफी प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि किसी भी स्त्री में इतनी ताकत नहीं जो उसके प्राण ले सके। इसी विश्वास के साथ महिषासुर ने अपने असुर सेना के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें देवों की हार हो गई। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। सभी देवगण मदद के लिए त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दिए और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा महाबलवान हो गई, जिसके बाद माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से युद्ध कर उसका वध किया। इन 9 दिनों में देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंत में वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो इस तरह से महिषासुर एक स्त्री के हाथों मारा गया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसके अलावा इस त्योहार को फसल से जोड़कर भी देखा जाता है, जो दुर्गा माता के जीवन और सृजन रूप को भी चिन्हित करता है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमयी है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर महागौरी की पूजा की जाए तो सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की उम्र में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी। अपने अत्यधिक गौर रंग के कारण देवी महागौरी की तुलना शंख, चंद्रमा और कंद के सफेद फल से की जाती थी। अपनी गौर आभा के कारण इन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी केवल सफेद वस्त्र धारण करती है, उसी के कारण उन्हें श्वेतांबर धारा के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। ऐसा करने से देवी अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई, तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। माँ ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसीलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। माँ सिंह की सवारी भी करती है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी वाले दिन माँ गौरी को साबुदाना अर्पित किया जाता है। ये अन्नधन को देने वाली माँ है, इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैसे इन्हें नारियल भी बहुत पसंद है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप इन्हें नारियल का भोग लगाएं। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा भक्तों के समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य सिद्ध करती है। माँ का मंत्र जाप करें, ओम एम ह्रीम कलिम महागौराय नमः। इस मंत्र की 1, 7 या 11 माला का जाप करें, फिर घी और खीर से हवन करें। एक मंत्र और है, ओम देवी महागौराय नमः। मंत्र जाप के साथ माँ की स्तुति भी करें और कहें, या देवी सर्वभूतेषु
माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता महागौरी को मस्तिष्क में ध्यान करके जपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। मान्यता है कि महागौरी का पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार के कनखल में माँ महागौरी को समर्पित मंदिर है। इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है, जो असीम शांति प्रदान करता है। देवी महागौरी का पूजन करने से समस्त पाप क्षय होकर चेहरे की क्रांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होते हैं। बोलो महागौरी की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।